हाय, मैं हूँ मनीष मेहता और ये टॉपिक मैं इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें मैं ये बताऊँगा कि आप एक एक्सर्जी एक नया कॉन्सेप्ट होता है इंजीनियर्स के लिए, तो उसको समझना और फाइंड करना, तो जब अलग अलग बुक्स में आप रीड करोगे तो इसमें होता क्या है कि अलग अलग बुक्स में बहुत अलग अलग फॉर्मूले दिए होते हैं, अलग अलग लंबा लंबा पैराग्राफ लिखा रहेगा, एक बड़ा सा चैप्टर रहेगा, उसके पहले इंट्रोपी पढ़ना होगा, फिर एक्सर्जी समझना होगा, फिर एक्सर्जी का फॉर्मूला लगाना होगा। तो उतना बहुत ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ वीडियोस बताऊंगा और पहले फर्स्ट वीडियो को बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप इस वीडियो को समझ जाते हैं तो आपका एक्सर्जी कैलकुलेशन कोई भी सवाल में एकदम आसानी से कर सकते हैं। ये मैंने लिखा है इंजीनियरिंग थर्मोडाइनमिक्स में एक्सर्जी का जुगाड़, पर ये जुगाड़ नहीं है, एक्चुअल में ये रियल कॉन्सेप्ट है। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आप लोग वीडियो को फर्स्ट टाइम खोले कम से कम, ठीक है। ये कोई जुगाड़ नहीं है, एकदम रियल कॉन्सेप्ट है। आपको लगेगा जुगाड़ टाइप से, पर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मतलब सिर्फ एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और आप एक्सर्जी का सारा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप इस बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, वो है ये फार्मूला। ये फार्मूला से आपका सारा एक्सर्जी का सवाल आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये क्या है? डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग प्लस डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। मतलब आप अगर डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस इंट्रॉपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल्स टू इंट्रॉपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग प्लस इंट्रॉपी चेंज ऑफ द सिस्टम। अगर सिस्टम का इंट्रॉपी चेंज आप निकाल लेते हैं, सराउंडिंग का इंट्रॉपी चेंज निकाल के ऐड कर देते हैं, तो जो आप अगर डेल्टा एस यूनिवर्स फाइंड कर लिए, तो अगर आप ये फाइंड कर लेते हैं तो मतलब आप कोई सा भी एक्सर्जी का सवाल बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। आपको बुक्स में हज़ार फॉर्मूले दिए हुए, उसे कुछ भी रटने का कोई ज़रूरत नहीं। आप बेसिक से चलो, और बेसिक से ही वो फॉर्मूले आए, और बेसिक से सारा सवाल हो जाते हैं बहुत आसान तरीके, बहुत कोई लेंदी नहीं पड़ता, कोई डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं। बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखने में बहुत ही आसान लगता है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है थर्मोडाइनमिक्स के लिए, खास करके इंजीनियर्स के लिए। देखने में बहुत ही आसान है पर इसका मीनिंग जब क्वेश्चन सॉल्व करेगा तब आपको फील आएगा, और ये मैं आपको फर्दर वीडियोस में और भी बताऊंगा। फिलहाल इसमें देखते हैं कि एक्सर्जी कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि 1 kg वाटर दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पे, सराउंडिंग टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो एक्सर्जी हमें फाइंड करना है इसका। एक्सर्जी में होता क्या है? एक्सर्जी जो होता है इस सिस्टम से ना हम लोग मैक्सिमम कितना वर्क ले सकते हैं, मैक्सिमम वर्क कितना ले सकते हैं, तो हम लोग ना मैक्सिमम वर्क कितना ले सकते हैं अगर किसी भी चीज़ से, तो वो हमें पता चलता है कार्नोट इंजन से, कि अगर इसे हम लोग सोर्स बना दे 1 kg वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे और सराउंडिंग को बना दे सिंक, तो इसके बीच में अगर हम कार्नोट इंजन ज्वाइन करेंगे तो इससे जो हमें वर्क मिलेगा वही तो मैक्सिमम वर्क होगा, और यही मैक्सिमम वर्क जो होता है ना वही एक्सर्जी होता है। तो अगर हम ये मैक्सिमम वर्क फाइंड करना चाहे, फिर एक्सर्जी फाइंड करना चाहे, तो हम इसको ना उल्टे तरीके से सोचते हैं क्या, कि हम ना इसके बीच में कोई भी कार्नोट इंजन ना लगा करके इसे हम लोग डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में छोड़ दिए। एक तरीका यह था कि पहले इसको यहाँ रखें, सराउंडिंग को रखें, इसको कहीं पे आइसोलेटेड रखें, उसके बीच में फिर कार्नोट इंजन लगाए, वहाँ से जो मिला वर्क वो डब्ल्यू मैक्स फाइंड कर सकते थे, पर ये हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। इसको हम लोग दूसरे तरीके से फाइंड करेंगे जिसमें इस फॉर्मूले का यूज लेंगे, और इसी से हम लोग एक्सर्जी बहुत आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं। वो ये हम लोग लेट ये मानते हैं इसे ना हम लोग क्या किए कि एटमोसफेयर में छोड़ दिया, फिर सराउंडिंग में छोड़ दिया। सराउंडिंग में छोड़ने से क्या हुआ, धीरे धीरे कूल हो गया, अपना सारा हीट जो है ये सराउंडिंग को दे दिया। अपना सारा हीट जब ये सराउंडिंग को दे दिया तो क्या होगा, जब भी कोई चीज़ अपना सारा हीट सराउंडिंग को दे देता है ना, तो वो हीट ना उस सराउंडिंग का जो एंट्रोपी बढ़ाने में काम आता है। मतलब अगर कुछ छोड़ दिया आप कोई सिस्टम को, उसका हीट अगर सराउंडिंग में जा रहा है, तो ये जो हीट गया ना उसी से ये टोटल यूनिवर्स है उसका एंट्रोपी चेंज होगा। मतलब डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, मतलब ये जो हीट जाने की वजह से इस सिस्टम से जो बाहर हीट गया उससे इसका एंट्रोपी चेंज हुआ, और बाहर सराउंडिंग के भी चेंज हुआ, तो ये नेट जो एंट्रोपी चेंज को ऐड कर देंगे, वही डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स है। मतलब अगर हम डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स कैसे बना, क्योंकि इससे इसमें हीट पास हो गया, इससे इसमें हीट पास हो जाने की वजह से एंट्रोपी चेंज हुआ इस यूनिवर्स में। ये समझ में आ रहा है? मतलब मैंने जितना भी एक्सर्जी था जो हम लोग मैक्सिमम वर्क ले सकते थे, हम लोगों ने वेस्ट कर दिया,
उसे कैसे वेस्ट कर दिया, बस डायरेक्टली हीट को पास करा दिया सराउंडिंग में, और उससे क्या हो गया, एंट्रोपी जनरेट कर गया, फिर एंट्रोपी सारा सराउंडिंग को चला गया, है ना, वो हीट को हम लोग यूज़ नहीं कर पाए। तो अगर हम इस एंट्रोपी चेंज को पता कर सकते हैं और उसे हम लोग सराउंडिंग के जो एंट्रोपी चेंज ऑफ इनवर्स पता किए और उसको सराउंडिंग टेम्परेचर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही होता है एक्सर्ज। ये बहुत ही जादुई चीज़ है, ये एक फार्मूला, ओके, और एक ये फार्मूला, ये दोनों फार्मूले से आपके लगभग सारे सवाल हो जाएंगे। कितना बहुत ही अजीब सी जादुई चीज़ है, पर ये है, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। तो एक्सर्जी जो मैक्सिमम वर्क होगा वो होगा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, दैट इज 300 केल्विन इंटू डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। अब मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगा कि इसका एंट्रोपी चेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका एंट्रोपी चेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपको बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा कि इसका एंट्रोपी चेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका टेम्परेचर चेंज होगा तो CPLN T2/T1, इसका डेल्टा Q/T, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अच्छे से। फिलहाल आप मेरे समझाने का मतलब सिर्फ इतना ही था इसमें, कि आप अगर इस फॉर्मूले का मीनिंग समझ जाते हैं, उसको अगर टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही इसका एक्सर्जी होगा इस सिस्टम का, यही मैं समझाना चाहता था। तो आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इसे करके अपने क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो, या फिर मैं फर्दर वीडियोस दूंगा उसमें भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, तो उससे भी आपका और भी ये चीज़ जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ ये क्लियर हो जाएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।